पर जाए इतरार हो जाए। नॉर्मल नॉर्मल कर इसको, डिलीट तेज कर दे। जो है इनकार होटों पर यही इतरार हो जाए, दिल उनको देख कर आ जाए और इजहार हो जाए, दिल उनको देख कर आ जाए और इजहार हो जाए। लश्कर याद आते हैं हमें तो करबला वाले बहत्तर याद आते हैं, न तो याद आती है न लश्कर याद आते हैं हमें तो करबला वाले बहत्तर याद आते हैं। लगती है तो असगर याद आते हैं हमें जब प्यास। नारे रिसाला, मजमे में से कोई दीवाना खड़े होकर के नारा लगाए इमाम हुसैन का। हमें जब प्यास लगती है तो असगर याद आते हैं। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, मुझे पता है सब इमाम हुसैन के दीवाने यहाँ बैठे। हमें जब प्यास लगती है तो असगर। अब एक बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा, एक बंद पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अहले स्टेज दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप सब इस बंद को सुनने के बाद इंशाल्लाह तड़पेंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, बिल्कुल हालात को निगाहों के सामने रख के और ये बंद सुने। यहाँ ख्वाजा की चलती है, राजा की ख्वाजा की चाहत है, बाबा बाबा गजाली भाई। अगर सच्चाई लगे आपको, लगे यही हकीकत है, तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे आगे। सुने, यहाँ ख्वाजा की चलती है, यहाँ ख्वाजा की चाहत है, हमारा मुल्क जो भी है ये ख्वाजा की बदौलत है, हमारा मुल्क जो भी है ये ख्वाजा की बदौलत है। गलत फहमी
वाह 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 अरे राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, अरे हिंदुस्तान में हुकूमत मेरे खाजा की चलती है। ये भारत है यहाँ अजमेर वाले की हुकूमत है, अजमेर वाले की। अब जो चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, अब सुनिए ये चार मिसरे। मौलाना जुनैद आलम साहब कुल्ला जमाली यहाँ तशरीफ रखते हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खतीब का नाम है जुनैद आलम जमाली, हजरत यहाँ तशरीफ रखते हैं हजरत की खास दुआओं के साथ, अख्तर भाई सूफी साहब कुल्ला और तमाम अहले स्टेज। अब जो चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ कुछ नहीं कहूंगा, बस सुना देता हूँ जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से सुन लीजिएगा। और उड़ीसा में आऊँ और सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जो चार मिसरे आने वाले हैं, इन चार मिसरों के आखिर में एक नाम आने वाला है, अगर आप महसूस करते हैं और ये इस बात पर आपका यकीन है कहां उस नाम का उस शख्सियत का हम पर एहसान है तो बस दुआओं से नवाजिएगा। हाजिर करता हूं, सुने पूरा मत मदरा हाथों उठाकर मुजाहिदे मिल्लत के नाम पर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अगर नाकाम वो होशो खिरद से काम ले लेना, अगर नाकाम हो जैसे तीन मिसरे जैसे चाहे आप सुन लें, आखिरी मिसरे में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तड़प जाएगा एक एक दीवाना हिल जाएगा इंशाल्लाह। सुने अगर नाकाम हो होशो खिरद से काम ले लेना, लहू गर्मा उठेगा जोश का एक जाम ले लेना, लहू गर्मा उठेगा जोश का एक जाम ले लेना। अगर टूटे मुजाहिद नाम ले लेना, कहीं अगर टूटे मुजाहिद नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिम्मत मुजाहिद मिल्लत, दरबारे मुजाहिद मिल्लत, आशिकाने मुजाहिद मिल्लत, हुजूर कारिए मिल्लत, दीवाने नेमत मिल्लत, उर्से कारिए मिल्लत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। कहीं हिम्मत अगर टूटे मुजाहिद नाम ले लेना, नाम ले लेना। इस कलाम के और मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा इंशाल्लाह। ये चूंकि सब ताजु शरिया वाले यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ और इसी महीने की 26, 26 और 27 तारीख को उससे सरकारे ताजु शरिया मनाया जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला बरेली शरीफ में। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर तशरीफ लाएं। मैं पढ़ता हूँ, सुने सुने। नहीं गए खौफ हमको कोई बेबोजे कयामत का के हमको देख कर खुल जाएगा दरवाजा में ताजे शरीयत के दाम गए। लाभ पर लाभ पर वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। ताजु शरिया का गुलामाने रजा का घर तरफ को राम का पी गए, रजा के घर से ज
जो मिलता है वो पैगाम काफी है। गजाली में कभी करता नहीं वो बदलती दो से, मुझे मालूम है मेरे रजा का नाम काफी है। मुझे मालूम है मेरे रजा का नाम काफी है। अब एक मनकबत का मतलब पढ़ता हूँ और उसके फौरन बाद इंशाल्लाह आप बयान सुनेंगे।